हेलो एवरीवन, आज हम आपको महिंद्रा मनु लाइफ मिड कैप उन्नति योजना डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का एक रिव्यू देंगे। पहले मिड कैप कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जो भी 100 से 250 के बीच की जो कंपनीज होती है उनको मिड कैप कैटेगरीज में काउंट किया जाता है। ये थोड़ी सी रिस्की होती हैं लार्ज कैप कैटेगरी के, बट लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। सो हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप कम से कम 5 साल वेट कर सकते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट है तो ही आपको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फंड का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। दोनों के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी है और ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, जबकि मनु लाइफ सिंगापुर की एक बहुत ही एक्सपीरियंस कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह फंड महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड AMC का है, जो कि एक ओपन एंडेड स्कीम है और यह फंड की लॉन्च डेट 30 जनवरी 2018 है। AUM इस फंड का 884 करोड़ है। बेंचमार्क इस फंड का निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.68% है। मिनिमम SIP इस फंड में आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम 1000 रुपीज़ से और एडिशनल मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो। NAV as on 18 फरवरी 2022 इस फंड की 17.95 है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में करीब 31.21% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 26.61 है। 3 ईयर्स में 26.36% का, जबकि कैटेगरी एवरेज 25.19 है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 15.76% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 18.83% है। अगर आपने इस फंड में 1 साल पहले 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 13,120 रुपीज़ होती, और 3 ईयर्स पहले अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो 20,215 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से आपने इसमें 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू 18,097 रुपीज़ होती। सो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, बेंचमार्क को भी बीट किया है, बट जब से फंड स्टार्ट हुआ है एक स्टेबल रिटर्न है। पोर्टफोलियो इस फंड में इक्विटी होल्डिंग 96.79% है, अदर्स में 3.21% की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप में इसमें 10.52% की इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 55.39% की और स्मॉल कैप में 25.79% की इन्वेस्टमेंट है, जबकि अदर्स में 5.09% की इन्वेस्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इस फंड में 58 है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 63% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 68.62 है। यानी कि जो फंड मैनेजर है वो रेगुलर पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहते हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो फेडरल बैंक लिमिटेड में करीब 2.85% की इन्वेस्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.74% की, कैनरा बैंक में 2.72% की, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.42% की इन्वेस्टमेंट, हनीवेल ऑटोमोबाइल्स इंडिया लिमिटेड में 2.42% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। टॉप 10 होल्डिंग में भी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, बट बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल में 17.58% की इन्वेस्टमेंट, इंजीनियरिंग में 13.93% की इन्वेस्टमेंट, केमिकल्स में 11.44% की इन्वेस्टमेंट, मेटल्स में 10.25% की इन्वेस्टमेंट और ऑटोमोबाइल्स में 9.53% की इन्वेस्टमेंट है। सो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। मैनेजर इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जो है मिस्टर बाला सुब्रमण्यम जी, मिस्टर वी बाला सुब्रमण्यम जी, जिनको करीब 20 साल का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर मनीष लोधा जी, जिनको भी करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है और इस फंड को दिसंबर 21, 2020 से मैनेज कर रहे हैं। तीसरे फंड मैनेजर हैं अभिनव खंडेलवाल जी, जिनको करीब 12 साल का एक्सपीरियंस है और इस फंड को 1 फरवरी 2022 से मैनेज कर रहे हैं।
सो तीनों ही फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। रिस्क रेशो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का 20.48 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 20.92 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि यह फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है। सो यह फंड अपने जो कैटेगरी एवरेज है उससे भी बिलो है, सो यह फंड लो वॉलेटाइल है। बीटा इस फंड का 0.77 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.8 है। बीटा भी यह शो करता है कि कोई फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और जो भी और जिस भी फंड का बीटा एक से ज्यादा होता है वो बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है। शार्प रेशो इस फंड का 1 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.83 है। शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न देता है। अल्फा इस फंड का 3.98 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 3.69 है। अल्फा भी यह बताता है कि रिस्क को एडजस्ट करके कोई भी फंड कितने अच्छे रिटर्न देता है। जो भी हमने बीटा के हिसाब से फंड का रिटर्न कैलकुलेट किया था उससे जो एक्स्ट्रा रिटर्न बनता है उसको अल्फा बोलते हैं, जो इस फंड का 3.98 है। सो ये था एक रिव्यू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति डायरेक्ट योजना प्लान का। फंड काफी पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छा लग रहा है, लाइक रिस्क रेशियो, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो, स्टेबल रिटर्न्स। फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते, बट इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी स्टडी जरूर करनी चाहिए। ये हमारी अपनी ओपिनियन है, आप अपनी स्टडी जरूर कीजिए। सो ये था एक रिव्यू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।